हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लूटो। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ साबित हो गया है भैया इतने लंबे समय तक एक मुख्यमंत्री जेल में है इसका इशारा क्या है तो जरा ऊपर कोर्ट के भी भरोसा नहीं थे ओकरा ऊपर अब जनता का भरोसा करे बीजेपी तो इसका सदस्य बने हमारा अट्ठासी जीरो जीरो दो हजार चौबीस खाली डायल कर देंगे सदस्य बच जाए देश भर में अपने काम से जाने जाने वाले और लोकप्रियता के रोज नए मापदंड स्थापित करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक चर्चित चेहरों में से एक और दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आज मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद भी आपने बुलाया आपको तो हम सब लोग बुलाते ही रहते हैं और दिल्ली पूरी बुलाती रहती है जहाँ देखिए वहाँ देश में जहाँ जरा था भी बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश का आदमी हो तो मनोज तिवारी वहाँ ना जाए तो कैसे हो सकता है अब हरियाणा में चुनाव है जम्मू कश्मीर में चुनाव है और आने वाले दिनों में फिर महाराष्ट्र में आपकी मांग बढ़ेगी झारखंड में तो आपको जाना ही होगा फिलहाल ये बताइए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और आप किस तरह से देख रहे हैं क्या मुश्किलें क्या हैं उस पर भी थोड़ा सा जोर जरूर बताइएगा देखिए मुश्किल तो एक कुछ थॉट का है कि हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार किसी की नहीं बनी थी बीजेपी की बन गई अब तो तीसरी बार बनाने की बात है तो इस मिथ को तोड़ा है बीजेपी ने भैया कि हम अपने गुड गवर्नेंस से आज हरियाणा के हर गांव में ये चर्चा है कि अब नौकरी के लिए कोई पैरवी और कोई पैसा नहीं लगता है वैसे ही समान अवसर सबको मिलता है खिलाड़ी बहुत निकलते हैं हरियाणा से पहले खिलाड़ियों में चार खिलाड़ी पे एक कोच होता था अब एक खिलाड़ी पे चार चार कोच सात सात कोच होते हैं सात सात लोगों का स्टाफ होता है इन सारी परिस्थितियों में हरियाणा के लोगों के सहयोग वाली सरकार खट्टर साहब की और अब आप सैनी जी की देख रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों का शासन में विश्वास जमा है तो हमें तीसरी बार भी आशा है दूसरी तरफ कौन लोग हैं दूसरी तरफ कांग्रेस है कांग्रेस के पास जाने के पहले एक बार हरियाणा जरूर सोच रहा है कि भाई जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लगाने के पक्ष में जा सकती है वो कभी हरियाणा का पक्षधर नहीं हो सकती जो कांग्रेस वक्फ को ये अधिकार दे सकती है कि अब पंद्रह सौ साल पहले का भी बोल दो किसी की संपत्ति तुम्हारी है तो उस पर केस भी नहीं हो सकता उस कांग्रेस को अब स्वीकार नहीं कर सकती और यही कारण है जो मुझे दिख रहा है कि अब कांग्रेस कोई एक गठबंधन की साथी अचानक ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातें आ रही हैं तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाने के कगार पे है बाकी हम सब मिलकर के और विश्वास दिला रहे हैं लोगों को लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सिंह जैनी को लाया गया था तो इसका मतलब ये कि कुछ तो गड़बड़ था ही क्या वो गड़बड़ जो कहा जाता है जातिगत गड़बड़ रहा है उस वजह से वो सिस्टम ठीक करना चाहते थे ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम गड़बड़ हो गया था उसको ठीक करना चाहते थे क्या मैसेज है भारतीय जनता पार्टी आंख नाक कान सब कुछ खुले रखती है तो अगर कहीं से भी बात आई होगी कि अब नेतृत्व बदलना चाहिए तो उसका सम्मान किया और खट्टर साहब की खुद बहुत महानता है कि वो दिन मुझे पता है जिस दिन हम लोग द्वारका एक्सप्रेस का, का उद्घाटन करने वाले थे खट्टर साहब मुख्यमंत्री के रूप में आए थे दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री नहीं थे पूर्व हो गए थे और अब वो केंद्र में फिर चुनाव लड़के आए उनके प्रति लोगों का विश्वास देखिए कि फिर संसद में भेजा उनको लोगों ने तो बीजेपी में अब जो मैं देख रहा हूँ ना भाई साहब के जिसको भी जो काम दिया जाए वो करने के लिए तैयार है कोई राज्य तंत्र नहीं है लोकतंत्र है पार्टी के अंदर भी देश में भी जिसको इशारा हुआ वो काम कर रहा है अब सैनी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन भी सबका बना हुआ है और जितना बीजेपी का टिकट लेने के लिए मारा मारी हुआ है न भाई साहब वो तो कुछ हमें अलग ही दिखा रहा है यूथ युवा लोग इतना लोग आ के मैं मैं तो एक मात्र स्टार प्रचारक हूँ फिर भी मेरे पास इतनी संख्या में लोग आते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग अपने और बेहतरी के लिए कांग्रेस जैसी देश विरोधी समाज विरोधी पार्टी के तरफ रुक रुकने तो क्या आप ये मान रहे हैं कि हरियाणा में टिकट के लिए जो मारपीट हुई है जो हंगामा हुआ है जो रोना धोना हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी और अच्छी छवि लेकर के आई है क्या है नहीं मारामारी तभी होती है ना जब बहुत आकर्षण होता है देखिए टिकट मांगने वाला ना बहुत दूर तक देखता है भैया कई टिकट मांगने वाले आवाज़ सूंघ सूंघ करके टिकट मांगते हैं तो इस मामले में नो no डाउट तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आकर्षण है और एक चीज जो मैं आपको बताऊं जो लोग हरियाणा में मजदूरों का जो फायदा बीजेपी ने कराई है पहले तो पता ही नहीं होता था कितना लिखवाया कितना दे दिया अब तो अकाउंट में पैसा देना है पर डे की जो वेदन है पर डे उससे आप हट नहीं सकते सभी को जो पैसा लेना है उसका पीएफ भी कटवाना है एक श्रमिक चाहे फरीदाबाद में काम कर रहा है चंडीगढ़ चला गया तो गुड़गांव में काम कर रहा है फरीदाबाद चला गया तो उसका पीएफ एक जगह इकट्ठा हो रहा है और बड़ा अमाउंट मिलता है भैया हर महीने का वेतन एक निश्चित कर दिया ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ है और जो कि सिर्फ भाजपा ने किया कांग्रेस कुछ लोगों का भला चाहती थी जो अपने उनसे साठ गांठ में होते थे भारतीय जनता पार्टी गरीबों मजदूरों किसानों का भला चाहने वाली और करने वाली दोनों पार्टी है सर हम भी एक किसान हैं ना भैया देखो हरियाणा की बात आती है तो किसान की बात होती है हम लोग जब ग्यारह सौ रुपया पर क्विंटल धान एम एस होती थी तो हम लोग आठ सौ रुपया में बिकता था हम लोग का बिहार के कैमूर को कैमूर जिले को धा, धान का कटोरा कहा जाता है और काला नमक वही देगी देगी। तो अब वो दो हजार इक्कीस सौ चालीस रुपया हो गया है और इक्कीस सौ हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि आज इक्कीस सौ चालीस मिल ही जाता है लेकिन उन्नीस सौ पचास जरूर मिल जाता है तो ये सारी बड़ी चीजें हैं जिसमें हम लोग और भी सुव्यवस्थित व्यवस्था करने में लगे हुए हैं हरियाणा के हर क्षेत्र में हर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा किया है जिसकी तुलना करेंगे तो पहले की सरकारें एकदम जीरो नजर आएंगी जी लेकिन एक बात बताइए फिर क्या वजह है कि हरियाणा में आपकी पार्टी के साथ में ये कहा जाता है जाट माइनस जाट बीजेपी देख रहे हैं माइनस जाट में काम करने की कोशिश कर रही है या दूसरा होता है कि कांग्रेस की कमियों की कांग्रेस में भी टिकटों की मारामारी बहुत सारी हो रही है तीन तीन दावेदार हैं बड़े बड़े वहाँ पर तो आपकी निगाह उस दावेदारों के बराबर हिस्से बढ़ने पर है ताकि कुछ आपके लिए हिस्सेदारी बढ़ सके जाट वाला और दोनों देखिए एक तो हर पार्टी स्वतंत्र है कई बार गठबंधन के साथ लड़ते हैं कई बार गठबंधन में नहीं लड़ते इस बार जे जे पी अलग लड़ रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी तो जाट लोग लड़ रहे हमारे हैं हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाट लीडर्स की बड़ी प्रधानता है उनकी बड़ी पूछ होती है तो इसलिए अगर कोई ये इमेज बना करके चलना चाहता है कि जाट अलग हैं बीजेपी से तो ऐसा सत्य नहीं है आज हम दिल्ली में सात की सात सीटें जीते हैं हमारी उस कम्युनिटी की भी एक रिप्रेजेंटेटिव है कमलजीत सहरावत और लोग खुलकर के सपोर्ट करते हैं कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने में लगे हैं जो जाति की ही राजनीति करते हैं लेकिन वो जाति के नहीं है जाति की राजनीति करके आते हैं लेकिन भद, भला भला अपना चाहते हैं तो कम्युनिटी भी ये सब डिसाइड करेगा हम सब इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए है, हमारा देश जिस तरफ जा रहा है भैया इसमें किसी का मैं कार्टून देख रहा था अभी एक हाथ का चित्र बनाया हुआ था एक पे लिखा था जाट एक पे गुजर एक पे ब्राह्मण एक पे यादव एक पे कुछ और दिखाता है कि राहुल गांधी को कैसा देश चाहिए तो इस उंगलों को काट के निकाल दो इसको काट के निकाल दो इसको काट के निकाल दो इतना रहेगा यही चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस को जबकि हमारा देश ऐसा चाहता है चलिए आप कह रहे हैं ऐसा देश चाहता है जम्मू कश्मीर में कैसा देश चाहेगा ये वाला देश या फिर वही पुराना दस साल वाला या तीन सौ सत्तर के पहले वाला राज्य देखिए मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है मैं बहुत ऊँची ऊँची बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ पूरा देश बहुत आशा से देख रहा है हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कैसे बनेगी ये समीकरण तो बताइए आप मुझे जम्मू कश्मीर में जितनी सीटें हैं फिर जम्मू में जितनी सीटें हैं फिर कश्मीर की सीटें घाटी की अलग हैं घाटी में आपका कितना असर है जम्मू में कितना असर है कांग्रेस भी वहाँ अपना कुछ करने की कोशिश कर रही है कैसे जीतेगी पहले तो लोग कहते थे कि वोट ही नहीं होने देंगे खून की नदियाँ बहेंगी मगर पीछे ही जब हमने अभी संसद का चुनाव हुआ है तो पचपन परसेंट वोटिंग हुई है भैया पचपन से अंठावन परसेंट वोटिंग हुई है सेल्यूट है ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को और तमाम लोग हैं जो वोट ना दे लो इसके लिए रोकते रहे लोकतंत्र जिंदा है और उस लोकतंत्र के आधार पे जब वोट देने जाएंगे लोग आज तो सोचेंगे ना कि पत्थरबाज कैसे गायब हो गए क्या पत्थरबाजों को फिर लाना है वो आतंकी जो जगह जगह लोगों निर्दोष लोगों का मर्डर कर देते थे क्या उनको फिर से बुलाने वाले लोगों को चाहिए सरकार आज उमर अब्दुल्ला की बात सुन लीजिए खुलेआम कह रहे हैं अफजल गुरु जिसने संसद को उड़ाने का मास्टर था सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दी उसके ऊपर वो अफजल गुरु के समर्थक बन रहे हैं मुझे लगता है कि आज पीछे भी डीडीसी का चुनाव याद रखिए डीडीसी का हम भी गए थे चुनाव में प्रचार करने ये जितनी पार्टियां हैं ना उमर अब्दुल्ला जी की चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी की सबसे बड़ी पार्टी बन के अगर निकली तो नए ने नए ने नेताओं की निकली ठीक है जम्मू कश्मीर किस पे भरोसा करता है ये देखा जाएगा लेकिन नए नए लीडर्स आ रहे हैं गांव गांव तक फंड्स सर्कुलेट होने शुरू हुए हैं वरना ये बड़े बड़े नेता अपने सारे फंड आते थे और उनकी बंदर बांट करके आपस में खत्म कर देते थे घाटी तो बीजेपी के तरफ इस बार का माहौल है और मैं तो थैंक्स करना चाहता हूँ अमित शाह जी को जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सरकार की वो खूबियां नीचे तक पहुंचाई कि किस रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा ऐसा मेरा विश्वास घाटी को लेकर के बहुत आशंकाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या वहाँ क्या समीकरण लोकल समीकरण क्या कर रहे हैं आप लोग कुछ उसकी खुलासा करेंगे देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ मैं घाटी के लोगों से संपर्क में हूँ जो वहाँ पार्षद जीते हैं जो डीडीसी का चुनाव जीते हैं कई लोग मिलते हैं हमारे पास आते हैं इस बार बीजेपी वहाँ भी जीतेगी हालांकि बीजेपी के जीतने की शुरुआत हो चुकी है श्रीनगर से भी हम सीट जीत चुके हैं भैया इसलिए इस चुनाव में मेरी प्रार्थना भी और मेरा विश्वास भी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए आतंकवाद के खिलाफ ये 370 जो लोग बार बार थोपना चाहते हैं उनके खिलाफ एक मैंडेट दीजिए बीजेपी को लाइए और इस जम्मू जम्मू कश्मीर की जो विकास धारा है उसको और स्पीड दीजिए पूरा देश देख रहा है दुनिया देख रही है पाकिस्तान की क्या हालत हुई है आज पाकिस्तान में आटा दाल के पानी के लाले पड़े हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा बहुत विश्वास है और विश्वास से मोदी जी और अमित शाह जी वाली बीजेपी ही कश्मीर को जन्नत बनाएगी ऐसा मेरा विश्वास है। आते हैं दिल्ली में दिल्ली में आप सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और पूरी दिल्ली को देश की तरीके से दिल्ली को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दिल्ली में आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाता है कि चुनाव आते आते बिल्कुल मामला डगभगा जाता है पल्स नहीं पकड़ पा रहे हैं जहां पर वोट मिलना है वहां काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है बल्कि आपकी सिनेमाई स्टाइल में कहें तो कुछ तो गड़बड़ है मनोज बाबू नहीं भैया कुछ तो होगा तभी बात नहीं बन रही है मगर इस बार हम लोग उन सारी त्रुटियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा उसके लिए हम लोग धीरे धीरे सारी त्रुटियों को ठीक कर रहे हैं आपकी त्रुटि नंबर एक मैं बता देता हूँ झुग्गी झोपड़ियों के वोट बैंक पे आपका कब्जा नहीं है वो कैसे सुधार करेंगे अब झुग्गी झोपड़ी में हम लोग एक बहुत सघन अभियान लेकर के गए हैं हर झुग्गियों के एक कमेटी बनाई है हमने उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं एक अपना कई ऐसे झुग्गी हैं जहां लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ध्रुव हो गया उसको हम आ, एल जी महोदय के विशेष सहयोग हम लोग लेकर के उसमें लोगों को जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और झुग्गियों की समस्या ही ये पीछे कांग्रेस और वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण ये हुआ हम नहीं चाहते हैं कि झुग्गी के लोग उसी झुग्गी में रहे उनकी गलियों में जाना हम तो घूम के आते हैं हम वहाँ प्रवास करते हैं हमारा खुद ही हृदय कांप जाता है लेकिन अब हम उन झुग्गी के लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि आप कब तक इन झुग्गियों में अपने बच्चों के भविष्य को तय करोगे आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए और हम इन झुग्गियों को जहाँ जुग्गी वहीं मकान के तहत एक ऐसा बेहतर दिल्ली देने वाले हैं जहाँ जुग्गी में रहने वाले लोगों को भी अपने ऊपर और अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर गर्व होगा दिल्ली में क्या रोल मॉडल बनाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए आ भी जाती है तो क्या उसके किस तरीके से लोगों को पहले तो आने के पहले आपका संकल्प होगा आपकी तैयारी होगी जो आप बता रहे हैं कि हम लोग बदल रहे हैं चीज़ों को ठीक कर रहे हैं क्या करेंगे दिल्ली वालों को क्या आप बताना जा रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं एक तो हमें दिल्ली के प्रत्येक घर में नल से साफ जल पीने वाला देना है प्रत्येक घर इसके लिए हम ये छह महीना में नहीं कर पाएंगे सरकार बनने के तीन साल का समय लेंगे लेकिन हम करेंगे हम देश के तेरह करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल दे चुके हैं साफ हम दिल्ली में सबके घर को नल से जल देना चाहते हैं पीने वाला ताकि कोई भी गर्मी हो जाड़ा हो बरसात हो किसी को पानी के लिए टैंकर का इंतज़ार न करना पड़े ये व्यवस्था हम करके देंगे अदरवाइज पांच साल बाद हम वोट नहीं मांगेंगे लोगों से दूसरा दिल्ली के बुज़ुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया है हम दिल्ली के बुज़ुर्गों का पेंशन आपके चैनल से बोल रहे हैं तो हम आपको बताएं दिल्ली के प्रत्येक बुजुर्ग जो 60 साल के होते हैं उनके बाद उनका पेंशन शुरू करेंगे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको बंद कर दिया है 10 साल से एक भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बनाए भाई साहब हम दिल्ली के हर गरीब को उसका राशन कार्ड का हक दिलाएंगे पीछे कई ऐसी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि जो अयोग्य हैं वो लोग तो लाभ ले ले रहे हैं लेकिन जो गरीब है वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं हम इसका शोध करेंगे इसको ठीक करेंगे दिल्ली में गरीब जो बेघर हैं उनको घर नहीं देने दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी जिद पे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू कर रहे हैं हम दिल्ली के गरीबों को आवास दे करके उनकी खुशियां बढ़ाएंगे दिल्ली में जो बीमार होता है पूरे देश में हम पाँच लाख का फ्री इलाज कराते हैं वो हम नहीं करा पा रहे अरविंद केजरीवाल के जिद में वो रुका हुआ है हम आयुष्मान योजना हर गरीब को पांच लाख रुपए का सालाना उसके परिवार को इलाज के लिए हम व्यवस्था करके उस कार्य को करेंगे हम दिल्ली की यमुना जी को विद इन थ्री टू फोर ईयर्स हम साफ करेंगे ऐसा विश्वास दिलाते हैं यमुना साफ पानी साफ अच्छी सड़कें और पंद्रह हजार डी की बसें इसको भी हम लाएंगे यमुना रिवर फ्रंट जैसे अहमदाबाद में है वैसा पोल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे ये हमारा मैं बहुत सारी चीज़ें याद करके बोल रहा हूँ इतनी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना है कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को उनको अंठावन साल तक की नौकरी देना गेस्ट टीचर हो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो वो तो पाँच दस साल में कहाँ जाएंगे भाई साहब दिल्ली की सरकार सोचती नहीं है वी विल डू दस बातें आपने कही लेकिन आपकी दस बातों में दिल्ली को वो नहीं दिया कि जो अभी हम लोगों ने बरसात में झेला हर जगह जाम हर जगह पानी भराव नाला सफाई होती नहीं है नंबर दो एम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी है हमारा नगर निगम महा कॉर्पोरेशन है उस पर कोई आप बात नहीं करते जब हम नल से जल की बात कर रहे हैं ना भाई साहब तो उसमें हम जब हर गली टच करेंगे तो गली में जल जमाव की समस्याओं को बिना समाप्त किए हम घर घर तक नल से जल दे ही नहीं पाएंगे वो उसमें छुपा हुआ है क्योंकि गली टूटी है जो ये हमारा जो पानी नल आता है वो पिछले 25-26 साल से जब से सरकार कांग्रेस की और बाद में आम आदमी पार्टी इन्होंने चेंज ही नहीं किया भैया तो हम घर घर नल से जल में ये जल जमाव खत्म करना पाइप की मरम्मत करना नए पाइप लगाना घर घर तक ले जाना ये हमारा एजेंडा है और एक बात और बता दूं, जैसे लोगों को यहाँ महिलाओं को बस में जाने का पैसा नहीं लगता है नहीं लगेगा वो जारी रहेगा जिसको भी बिजली के सब्सिडी का कुछ फायदा मिलता होगा दो यूनिट या जो भी हम उसको छेड़ने वाले नहीं है सब जो सुविधा एक दो मिली है हालांकि प्रॉपर वो भी नहीं मिली है हम उसको भी जारी रखेंगे और जिनके अनाप शनाप बिल आ रहे हैं पानी के उसको भी हम समस्या को समाप्त करेंगे मनोज तिवारी अगर दिल्ली के बारे में बात करें और अरविंद केजरीवाल सरकार पे बहुत सॉफ्टली बोले तो ये लगता नहीं है तो आप तो बिल्कुल फायरी सबसे ज्यादा लीडर उनके लिए रहे हैं भैया देखिए अरविंद केजरीवाल की सरकार अब भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में जानी जाती है गुंडों की सरकार के रूप में जानी जाती है ये जनता को भ्रमित करने वाली सरकार है आप बताइए आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं सर मैं आपको जब आप बिहार में हिंदुस्तान के संपादक होते थे तब से जानता हूं आपको आज आप नवोदय टाइम्स को इस प्रकार से लेके जा रहे क्या बेल होना किसी आरोप से रिहाई होती है ये पोस्टर लगाते हैं मनीष सिसोदिया आगे अरविंद केजरीवाल भी आएंगे अरे मनीष सिसोदिया बेल पे आए हैं संजय सिंह बेल पे आए हैं अरविंद केजरीवाल अभी बेल पे आएंगे लेकिन जो पाप किया है दोषी को सजा मिलेगी मिलेगी इसलिए केस का फैसला होने दीजिए ये जो भ्रमित करने का पोस्टर पैसा तो बहुत है उन सबों के पास आप देखिएगा जिधर गली में जाइए तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब हमें हमें गाली देने की हमारी संस्कृति नहीं है हम इनको वोट आउट करेंगे हम दिल्ली की जनता को उनका दिल जीत कर उनको समझा करके आगे बढ़े दिल्ली में कांग्रेस की क्या हालत है और उससे कुछ निपटने का कोई अलग काम है या अलग दिशा जारी हो रही है या कुछ और प्लान सोचा है स्ट्रेटेजी के तौर पर देखिए इस दिल्ली में पहले ऐसा लोग सोचते थे कि थोड़ा कांग्रेस मजबूत होगी तो फिर ये पार्टी हम इसमें इस, इस थॉट में जाने वाले नहीं हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी है पहली बार लड़ी मगर हमने उनको हराया सात की सात सीटें संसदीय हमने जीती उसके पहले हमको भी लगता था कि कुछ ये तो बहुत विपरीत परिस्थिति है आपने तो क्रांति उस तरह से मानी जा रही थी कि साहब दिल्ली में अगर सबसे कमजोर सीट साबित हो रही है तो आप आपकी सीट होती है और बाकायदा लोगों ने गणित लगाना शुरू कर दिया था लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा उभर करके सामने आए कुछ टिप्पणी विश्वास कमाया है भैया और दिल्ली का विश्वास इस समय नरेंद्र मोदी जी की टीम के साथ है अब दिल्ली के लोग ना आप आपको क्या बताऊं? दिल्ली में गरीबों का बना हुआ घर खाली पड़ा हुआ है काई लग रही है बट देने का काम नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल सरकार सिर्फ दिल्ली से लूटो गोवा में लगाओ और किसी राज्यों के चुनाव में लगाओ अपने पार्टी को फैलाने में लगाओ इनका उद्देश्य कभी भी दिल्ली की जनता का भला है ही नहीं आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लूटो अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ है सब कुछ साबित हो गया है भैया इतने लंबे समय तक एक मुख्यमंत्री जेल में है इसका इशारा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बेल भी दिया तो इंटरिम बेल दिया कंडीशनल बेल दिया मैंने आप में अगर भोजपुरी में बोलूं तो जेरा ऊपर कोर्ट के भी भरोसा नहीं खे ओकरा ऊपर अब जनता का भरोसा करी बाकी मैं ये नहीं जानता हो सकता है बेल हो भी जाए कुछ दिन के लिए लेकिन इस देश में बड़े बड़े नेताओं को बेल होने के बाद भी उम्र कैद हुई है कई अपराधियों को बेल मिलने के बाद फांसी की सजा हुई है तो इसलिए हमारा जो विश्वास है वो न्याय पे भी है दिल्ली की जनता पे भी है आजकल आप राहुल गांधी पे सीधा हमला कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ कई बार ट्वीट करके सीधे हमला करते हैं क्या वजह उनसे क्या नाराजगी है भी आपकी राहुल गांधी एक्चुअली देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी को उनका जन्म ही हुआ सत्ता में पले बड़े सत्ता में उनको बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और लोग गोदी खिलाए हुए हैं तो उनको लगता था कि मेरा आखिरी सांस तक मैं सत्ता में रहूंगा, लेकिन को ये याद नहीं रहा कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा के लूट का आरोप उनकी पार्टी पे है अब जब वो आए हैं तो वो सत्ता से बाहर और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो एक प्रकार से राहुल जी जल भून गए लेकिन भैया मैं आपसे एक आपका मैं बड़ा आदर करता हूं आपने कभी जॉर्ज बुश को बिल क्लिंटन को या डोनाल्ड ट्रंप को या ये बाइडन साहब है ये लोग भी विपक्ष में रहे हैं कभी किसी दूसरे देश जा करके आप अमेरिका की बुराई करते देखा ये राहुल गांधी अमेरिका में जाके भारत देश की बुराई कर रहे हैं प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं ऐसा मतलब फ्रस्ट्रेटेड पर्सन और नेता प्रतिपक्ष है वो तब मुझे कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल जो लड़ाइयां हैं पॉलिटिकल बैटल्स हैं ना वो अपने देश में लड़ना चाहिए बाहर जाइए तो बाहर जाके ऐसी बातें करिए जिससे आपके प्रति लोगों का भाव बढ़े लेकिन देश की बुराई करके अगर बढ़ती है तो लानत है आपको राजनीति में रहने का चाहे वो राहुल गांधी जी क्यों बिल्कुल ठीक है देश में बात हो तो ज्यादा अच्छा है आ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको शुभकामनाएँ है। देखते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में आपकी बातों का असर दिल्ली पर जम्मू में हरियाणा में और बाकी और जगह पर कितना हम लोगों को वोटों में तब्दील होते हुए दिखता है पुनः आभार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा आजकल उन लोग बीजेपी की सदस्यता अभियान पर लगे हुए हैं <laughs> लोग बीजेपी का सदस्य बने हमारा अट्ठासी जीरो जीरो दो हज़ार चौबीस खाली डायल कर देंगे सदस्य बन जाए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया